एक तो अवैध कार्य ऊपर से दबंग गई। वाह रे यूओपी ओ सरकार। रामपुर मथुरा सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दुर्गापुर निवासी डॉक्टर धर्मेंद्र मौर्य पुत्र कैलाश मौर्य एक तो अवैध रूप से क्लिनिक चलाते हैं, जिसमें हड्डी के साथ साथ प्रसव व गर्भपात का ठेका भी लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इनके विरुद्ध कई बार कार्यवाही भी की गई है, परंतु यह अपनी आदत से बाज नहीं आए और दबंगई के बल पर हर अपनी क्लिनिक पुनः प्रारंभ कर दी। इससे साफ जाहिर होता है कि या तो यह डॉक्टर दबंग हैं या तो इन्हें किसी सक्षम अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। प्रसव व गर्भपात के गंदे कपड़े, ग्लव्स, सिर इजादी यह डॉक्टर अपने पड़ोसी पप्पू मिश्र पुत्र मिश्री लाल के घर के पास डाल देते हैं, जिससे उसकी बदबू से पप्पू के घर आए दिन बच्चे बीमार रहते हैं। कभी कभी तो डॉक्टर धर्मेंद्र उसे जला भी देते हैं, जिससे उसके धुएं से काफी प्रदूषण फैलता है और इस प्रकार के गंदे कपड़े, ग्लव्स आदि से बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। इससे तंग आकर दिनांक 19 जून 2019 को जब पप्पू मिश्र ने इसका विरोध किया तो डॉक्टर धर्मेंद्र मौर्य ने अपने परिवार के साथ मिलकर दबंगई दिखाते हुए पप्पू की लात घूसों, लाठी डंडों आदि से बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे पप्पू मिश्र को कुछ चोटें भी आई हैं। पप्पू मिश्र ने थाना प्रभारी रामपुर मथुरा को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी ने जल्द ही उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस दबंग डॉक्टर पर क्या कार्यवाही होती है। मो ओ सलीम की रिपोर्ट, बहादुरगंज रामपुर मथुरा। हेलो हेलो, पप्पू मिश्रा जी बोल रहे हैं दुर्गापुर से? हाँ, पप्पू मिश्रा बोल रहे हैं दुर्गापुर। अच्छा, तो आपने थाने में एक एप्लीकेशन दी थी, तो क्या हुई आपके यहाँ? हाँ, कार्रवाई हुई। हमने एप्लीकेशन दी थी 19 तारीख। हाँ? रात में हमारे जो पड़ोस में बिल्कुल इनका मिला हुआ थोड़ा दूसरे का केस है। हाँ, उसमें कूड़ा कचरा डालते हैं, उसको जलाते हैं। जब कौन डालता है कूड़ा कचरा? कूड़ा कौन डालता है? डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। हाँ, तो ये कैसे आदमी है डॉक्टर धर्मेंद्र? ये अवैध क्लिनिक चलाते हैं, उसमें जो है अट्टी पट्टी, वो जो प्लास्टर भी बांधते हैं और नर्सिंग होम भी करते हैं। हाँ, और डिलीवरी भी करवाते हैं, उसका जो बचा हुआ कचरा वचरा होता है जी, जैसे जी। जो नल वल वही ये सब डालते हैं उसमें। हाँ, तो वही जला देते हैं तो हम लोग तो बहुत परेशान होते हैं, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं और गंदगी से काफी परेशान है हम लोग। तो ये कहाँ पर डालते हैं? आपके पड़ोस में, दरवाजे के सामने? हमारे बिल्कुल पड़ोस में, हमारे मकान से मिला हुआ जो है बिल्कुल हमारे पड़ोस में डालते हैं। हाँ, कूड़ा कचरा जी। और हम जब उसने उनका विरोध किया तो इन्होंने हमको मारा, सीमा सिंह ने, और ये डॉक्टर धर्मेंद्र और इनका एक भतीजा है, दो बच्चे हैं। अच्छा, तो ये सीमा सिंह कौन है? सीमा सिंह इनकी पत्नी है, जो ये बताते हैं ये नम है, लेकिन कोई उनका जो है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है नहीं, लेकिन बताते हैं ये नम है। अच्छा, ये नम मतलब आपने आपको एनम बताया? डिलीवरी वगैरह भी करवाती हैं? हाँ, डिलीवरी करवाते हैं, ये एक्सरे मशीन भी रखे हैं, एक्सरे भी करते हैं। अच्छा, डीएनसी वगैरह भी होता है? एक्सरे वाला कोई डीएनसी होती है और प्लास्टर भी चढ़ाया जाता है, एक्सरे भी होता है, एक्सरे मशीन भी रखे हैं। अच्छा, तो एक्सरे करने वाला कोई दूसरा है तो है नहीं क्या? ना ना, कोई नहीं है, खुद ही करते हैं अपने आप। अच्छा, सब मतलब अवैध ही चलता है? सब अवैध में चलता है। अच्छा, तो आपका बस में इतना झगड़ा है कि आपके दरवाजे पर वो कूड़ा डालते हैं? कूड़ा डालते हैं, फिर भी झगड़ा ये भी है, मान लीजिए किसी गरीब परिवार का लड़की या हम भी गरीब है, किसी की औरत आई, उसे 100 रुपए के जगह पे 5,000 लेते हो, डीएनसी करते हो, गर्भपात क्यों करते हो? हाँ, ये तो सही बात है, गर्भपात क्यों करते हो? ये सब समस्या है, इनके द्वारा कम से कम 5-6 औरतें खत्म हो गई गुप्त रूप से, जो बाद में मालूम हुआ। जैसे मान लो मैं पड़ोस में रहता हूँ तो बाद में जानकारी हुई, पता नहीं कहाँ का कौन है, लेकिन 5-6 औरतें भी खत्म हो गई इनके द्वारा। चलो, तो ठीक, आपने एप्लीकेशन थाने में दिया था तो उसमें रिश्ता दिया था कि थाने में दिया, विवाद हुआ उसका एप्लीकेशन दिया है। हमारा मुकदमा भी पंजीकृत हो गया, हमने एक कूड़ा कचरा अवैध क्लिनिक चलाने के दिया है एप्लीकेशन। अच्छा, तो आपने जो आप व्हाट्सएप चलाते हैं ना जी, तो एक हमको उसकी फोटो कापी भेज दीजिए जो एनसीआर दर्ज हुई है, उसके कापी भेजिए हमारे नंबर पर। ठीक ठीक, एनसीआर हमने दर्ज कराया, आरटीजीएस भी किया है। हाँ, तो आरटीजीएस भी किया हमने, टीमों को, डीएम को भी हमने किया है आज आरटीजीएस। चलिए, तो ठीक, दोनों की कापी भेज दीजिए हमको। हाँ, हम कापी आपको भेज देंगे। ठीक 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 हाँ ठीक।